नमस्कार, क्रांति उड़ीसा में आपका स्वागत है। राजबाड़ी या कूच बिहार पैलेस पूर्व भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के कूच बिहार शहर में स्थित है। राजबाड़ी को विक्टर जुबली पैलेस के रूप में भी जाना जाता है, जो देश में महान ऐतिहासिक महत्व रखता है। राजबाड़ी का निर्माण 1887 में महाराजा नृपेंद्र नारायण के शासनकाल में किया गया था, जिसकी डिजाइन लंदन के बकिंघम पैलेस से प्रेरित थी। जबकि पैलेस का मुख्य प्रवेश द्वार रोम में स्थित सेंट पीटर चर्च से मिलता जुलता है और कमरों की दीवारों और छत पर सुंदर पेंटिंग है। चूंकि भव्य महल को कई बार पुनर्निर्मित किया गया है, इसलिए इस राजबाड़ी के ज्यादातर रंग खो गए हैं। उसके बावजूद भी यह पैलेस कला प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कूच बिहार पैलेस या राजबाड़ी का निर्माण 1887 में महाराजा नृपेंद्र नारायण ने करवाया था। जब इस पैलेस का निर्माण किया गया था तब यह पैलेस 3 मंजिला था, लेकिन 1897 में आए भूकंप के कारण इस राजबाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इसे 2 मंजिल तक सीमित कर दिया गया था। नृपेंद्र नारायण के राजेंद्र नारायण और जितेंद्र नारायण 2 बेटे थे, जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन को संभाला था। जितेंद्र नारायण के पुत्र जगदीपेंद्र नारायण कूच बिहार के अंतिम महाराजा थे, जिन्होंने कूच बिहार पर 1970 तक मृत्यु हो जाने तक राज किया था। राजबाड़ी के अंतिम महाराजा की मृत्यु के ठीक 12 साल बाद राजबाड़ी को भारतीय सर्वेक्षण विभाग ASI ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया तथा 2002 में ASI ने राजबाड़ी के कुछ हिस्सों को एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया। राजबाड़ी या कूच बिहार पैलेस वास्तुकला के इतालवी पुनर्जागरण रूप में निर्मित एक भव्य स्मारक है। संपूर्ण स्मारक 51,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो लगभग 390 फीट लंबा और 296 फीट चौड़ा है। स्मारक जमीन से 125 फीट लंबा है और ग्राउंड फ्लोर पर एक अनुमानित पोर्च के साथ प्रवेश द्वार है, जो दरबार हॉल की ओर जाता है। महल में 50 से अधिक कमरे हैं, जिनमें बेडरूम, ड्रेसिंग रूम, बिलियर्ड रूम, किचन, डाइनिंग हॉल, डांसिंग हॉल, लाइब्रेरी, तोशा खान, म्यूजियम और लेडीज गैलरी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कूच बिहार पैलेस में लाइट एंड साउंड शो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो प्रत्येक शनिवार और रविवार को शाम 6 बजे से 8 बजे तक चलता है। बता दें, इस राजबाड़ी के अंदर किसी भी तरह से फूड आइटम्स ले जाने की अनुमति नहीं है। कूच बिहार पैलेस के अंदर पर्यटकों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है, इसीलिए आप चाहे तो पानी बोतल साथ ना ले जाएं। ध्यान से, कूच बिहार पैलेस के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसीलिए राजबाड़ी के अंदर फोटोग्राफी का प्रयास ना करें। यदि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ राजबाड़ी घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं कूच बिहार में राजबाड़ी के अलावा भी कई प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मौजूद है, जिन्हें आप राजबाड़ी में घूम सकते हैं। 1885 से 1887 में महाराजा नृपेंद्र नारायण द्वारा निर्मित मदन मोहन मंदिर कूच बिहार में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक है, जिसे आपको अपनी राजबाड़ी की यात्रा के दौरान अवश्य जाना चाहिए। यह मंदिर मुख्य रूप से मदन मोहन को समर्पित है, लेकिन मंदिर में मदन मोहन के साथ साथ तारा माँ, काली माँ और माँ भवानी की प्रतिमा भी स्थापित है, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। सागरदेही शहर के मध्य में स्थित विशाल तालाब है, जिसका निर्माण महाराजा हितेंद्र नारायण द्वारा करवाया गया था। सागरदेही कूच बिहार के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में से एक है, जहां अक्सर कूच बिहार की यात्रा पर आने वाले पर्यटक कुछ समय व्यतीत करने के लिए यहां आते हैं। सागरदेही के आसपास एक हेरिटेज होटल विक्टर हाउस और एक युद्ध स्मारक है, जिसके चारों सुंदर गैलरी है। यदि राजबाड़ी की यात्रा पर जाने वाले हैं, तो आप अपना कुछ समय निकाल कर सागरदेही भी घूमने जा सकते हैं। कूच बिहार साल भर एक सुखद मौसम होने के लिए जाना जाता है, इसीलिए आप वर्ष के किसी भी समय कूच बिहार पैलेस घूमने जा सकते हैं। लेकिन यदि आप जून जुलाई के दौरान यहाँ घूमने आते हैं, तो आप इस दौरान राजबाड़ी घूमने के साथ साथ रथ यात्रा और रश मेला में शामिल हो सकते हैं। जबकि यदि आप फरवरी और मार्च के दौरान आएंगे, तो हुजूर साहिब मेला में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। क्रांति उड़ीसा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।